टेक्सास में अभी यूएस में एक लॉ पास हुआ है और वो अबॉर्शन पे लॉ पास हुआ है जिसकी मैं मुजम्मत करूंगी एंड आई एम अगेंस्ट इट। उसमें ये लिखा है कि आप अपने बच्चे को गिरा नहीं सकते, आप किसी भी बच्चे को गिरा नहीं सकते टिल 6 वीक्स, यानी आफ्टर 6 वीक्स, यानी माँ जो है वो 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट हो उसके बाद अगर वो चाहे कि वो बच्चा गिरा दे तो आप ये नहीं कर सकते हो, चाहे वो बच्चा आपका भाई यानी या बाप के साथ हो या इंसेस्ट जिसे कहते हैं ना, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो लोग रेप कर लेते हैं या रिलेशनशिप्स रख रहे होते हैं, तो वो भी नहीं आप गिरा सकते। और आपका अगर जिनसी जिनसी ज्यादती भी हो गई आपके साथ और आप उस बच्चे को नहीं रखना चाहते हो और 6 हफ्ते के बाद आप उसको भी नहीं गिरा सकते हो, 6 हफ्ते तक का आपके पास टाइम है, उसके बाद आप उस बच्चे को नहीं गिरा सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारी औरतों को पता भी नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है 6 हफ्ते तक। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ, 6 हफ्ता इज नथिंग, लाइक दैट्स व्हाट, वन वन एंड हाफ मंथ मे बी। इस टाइम पे 1 महीना तो आपको पता ही लग जाता है कि ओके हमारे पीरियड्स नहीं आए, तो फिर बंदी जाके फिर अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाती है, सब कुछ करवाती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 6 हफ्ते के बाद हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। अब आई एम अ पर्सन, मैं अ पर्सनली अगर मैं प्रेग्नेंट हूं दोबारा से तो मैं तो अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि हाँ मैंने जब उस हार्ट बीट को देखा था और मेरे पे बहुत प्रेशर था अबॉर्शन कराने का जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो जब मैंने हार्ट बीट देखी अपने बच्चे की तो मुझसे नहीं हो सकता था। एंड उस दिन मेरा अबॉर्शन के ऊपर दिमाग चेंज हो गया था, राइट। मगर ये मैं हर किसी की सिचुएशन नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि दूसरे की क्या सिचुएशन है, वो बंदी उस बच्चे को पाल सकती है कि नहीं पाल सकती है। मैं नहीं समझती कि एक बच्चे को पैदा करवा लो इस चक्कर में कि नहीं बस बच्चे को पैदा ही होना है, और बाद में वो माँ जो है उसको ना खाना दे सके ना, तो बच्चा बड़ा होके भूख से बिलख बिलख कर तकलीफ से गुजर गुजर के मर जाए, वो इन लोगों को पसंद है। मगर बजाय इसके कि वो बंदी कहती है कि भाई नहीं मैं नहीं अफोर्ड कर सकती एक और बच्चा, तो आई डोंट वॉन्ट टू कीप द चाइल्ड, तो वो इनको पसंद है। I think it was after 24 weeks fetus becomes alive. Whatever the cases, I am against कि हाँ 3 महीने का बच्चा आपके पेट में और आप इसको गिरा रहे हो, not right. 6 महीने का बच्चा है वो भी गिरा रहे हो, like 6 महीने is a long time. आपको 3 महीने भी बहुत आपके पास टाइम है बच्चा गिराने का। मुझे यहाँ पर बताया था क्योंकि I wanted to know my options. तो मेरी जो डॉक्टर थी उसने कहा था 3 महीने तक तुम्हारे पास टाइम है, तब तक बच्चा गिरा सकती हो। तो मैंने वो 3 महीने जाकर इधर उधर जाया कर दिए ताकि उसके बाद मुझसे कोई बोल ही नहीं सकता था। मगर इट्स अ वेरी 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 डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि अब लोग इलीगल अबॉर्शन करवाने के चक्कर में लगेंगे और उसमें और ज्यादा लड़कियों की मौतें होंगी, डेथ्स होंगी, यानी इट्स जस्ट तबाही है। और किस कैसे आई डोंट नो कि यूएस में कैसे हो रही है ये चीज, इतने पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, मगर यूएस में हमेशा अबॉर्शन को लेकर बहुत लोग सेंसिटिव रहे हैं, बहुत वही रिलीजियस फ्रीक्स यू नो, जिनको ये होता है कि वो किसी की जान जा रही है, यानी वो बच्चा पैदा होकर बिलख बिलख के भूख से और वो मर जाए वो ठीक है, या वो बच्चा पैदा हो उसको निग्लेक्ट किया जाए वही कोई सीरियल किलर बन जाएगा वो ठीक है, मगर नहीं अगर पेरेंट्स सोच रहे कि नहीं मुझसे वो नहीं टेक केयर कर सकता मैं बच्चे का और मैं इस तरीके से अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ, तो वो इनको पसंद नहीं है। दूसरी चीज मैं ऑल्सो ये कहूंगी कि लड़कियां जो अबॉर्शन को एज अ बर्थ कंट्रोल यूज करती हैं, आई डोंट अग्री विद यू ईदर। आप अपने आपकी प्रोटेक्शन हैं, आप कॉन्डम्स यूज कर सकते हो, देयर इज सो मेनी डिफरेंट पिल्स आती हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शन हैं आपके पास जो आप यूज कर सकते हो जिससे आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ठीक है। तो अगर आप वो प्रोटेक्शन नहीं यूज कर रहे हो देन यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। आप बार बार जाके अबॉर्शन ऐसे करवा रही होती हैं जैसे कि ये बर्थ कंट्रोल हुआ है, और उसके अलावा जितनी दफा आप अबॉर्शन करवाएंगी उतने आपके चांसेस प्रेग्नेंट होने के कम हो जाते हैं, यू गेट यू नो वेरी 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 लो चांसेस हो जाते हैं जितना ज्यादा ज्यादा आप अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम को जाके इस तरीके से करेंगे। सो बट इट इज अगेन इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक अबॉर्शन के ऊपर। आई थिंक औरत को खुद ये डिसीजन उसके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि औरत ने बच्चे को पैदा करना है, औरत ने पेट में रखना है, औरत ने ही फिर बाद में पालना है, क्योंकि मर्द हजरात तो आपने देखा है ना वो तो पिछली गली में से निकल जाते हैं, उनको दे डोंट गिव अ शिट। चंद तो ऐसे मर्द हैं जिनको पता भी नहीं है उनके बच्चे कहाँ हैं, मर गए हैं या जिंदा हैं, इंक्लूडिंग माई, उसको ये भी नहीं पता है कि उसका बच्ची मर गई है या जिंदा है, वो अपना भाई चोत बड़े आराम से घूम रहा है फिर रहा है ना, उसके फैमिली को पता ना कुछ पता उन लोगों को,
तो ये डिसीजंस हमारे हाथ में होनी चाहिए कि हमें बच्चा रखना है कि नहीं. आई हैव अ क्वेश्चन, इज बर्थ कंट्रोल पिल 100% इफेक्टिव? नो, नथिंग इज 100% इफेक्टिव. ना कॉन्डम आपका 100% इफेक्टिव है, ना आपकी बर्थ कंट्रोल पिल 100% इफेक्टिव है. अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, चंद मर्द ऐसे हैं जिनको पता है कि उन्होंने बच्चा पैदा नहीं करवाना, तो वो जाकर अपने आप को फिक्स करवा लेते हैं, मतलब कि फिर आप प्रेग्नेंट नहीं कर सकते. इसी तरह से औरतें भी ये करवा सकती हैं. अगर आपने ऑलरेडी बच्चे पैदा कर लिए हैं और आपका कोई प्लान नहीं है बच्चे पैदा करवाने का, तो प्लीज, छोटी सी एक सर्जरी होती है जिसके लिए आपको जाना पड़ता है, और वो आपकी, जिसे कहते हैं ना, ट्यूब्स, उसको टाई कर देते हैं, तो फिर आप दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो. दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट. अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, आपने बच्चे और नहीं पैदा करने हैं, दैट इज इट, तो फिर आप वो जाकर प्रोसीजर करवा लो, या अपने जिस पार्टनर के साथ हो उसको कह दो कि वो करवा ले. औरतों का भी रिवर्स हो जाता है और मर्दों का भी ये प्रोसीजर रिवर्स हो सकता है. जिसे कहते हैं वैसेक्टमी. कॉपर्टी क्या होती है? कॉपर्ट्री क्या? ओह, मालिश को भूख लग रही है. गिव वुमेन डिप्रेशन एंड स्टफ. बर्थ कंट्रोल पिल्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं. यस, बर्थ कंट्रोल पिल्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं. इस वजह से मैंने कभी बर्थ कंट्रोल पे मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉट्स भी हो जाते हैं, उसपे डिप्रेशन भी आपको होता है, उसमें काफी सारी चीजों के हैं. मगर बहुत सारी औरतें ले भी रही हैं, दे आर फाइन. सो आई एम जस्ट सेइंग, सेल्फ सर्विस इज 100% इफेक्टिव. पुल आउट, पुल आउट. जैसे कि मोहम्मद जी ने कहा था ना, मोहम्मद जी ने भी एडवाइस दी थी कि आप पुल आउट सबसे बेहतर है, मगर नहीं, देन यू हैव टू आल्सो हैव टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट एसटीडीज. सिर्फ वो ही नहीं ना, आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होते हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन चाहिए. एड्स, एचआईवी, ये सारी चीजें आप कैच कर सकते हो. तो ऑलवेज यूज सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, अदरवाइज आपको नहीं पता कि आपको क्या लग जाए, क्या बीमारी लग जाए, नहीं लग जाए, हु नोज. अगर आप, हाँ, एक लॉन्ग टर्म किसी पार्टनर के साथ हो तो आई थिंक इट्स ओके, मगर आप किसी अगर नए बंदे के साथ हो तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. इवन लॉन्ग टर्म पार्टनर से क्या पता यार, मुंह कहीं मार रहा हो बंदा, कभी कहीं मार रहा हो. मेरा बंदा भी दुख नहीं, कहाँ कहाँ मुंह मारता फिर रहा था, तो यू जस्ट नेवर नो. मगर अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म हो, आप के साथ आपको कोई एसटीडी लग जाती है, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आपका बंदा चीट कर रहा है आपसे, क्योंकि एसटीडी कहाँ से आ गई, ऐसी थोड़ी आ जाएगी. अगर आप साफ हो, आपके अंदर कोई डिजीज नहीं है, और आपके उस पे आ जाए, जैसे गोनोरिया हो गया, या हर्पीज हो जाए, या क्लमीडिया हो जाए, ऐसी कोई डिजीज आपको लग जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से लगा है, क्योंकि आप तो एक ही बंदे के साथ हो, वो बंदा फिर कहीं और जाके मुंह मार रहा है. सो दीज आर सर्टन थिंग्स, यू नो. आत्मनिर्भर रहना चाहिए. क्या मतलब? सेक्स करना ही क्यों? आपने आप पर कंट्रोल करो, बाहर ब्रह्मचारी बनो. तुम बनो ना ब्रह्मचारी, तुम बनो ना ब्रह्मचारी. मैं क्यों बनूं भाई, मैं क्यों बनूं? सेक्स इज अ नीड फॉर एवरीवन, क्यों नहीं करना चाहिए? व्हाई शुडंट आई? वैसे मैं करती बढ़ती इतना हूं नहीं, मेरा तो कोई पार्टनर ही नहीं है, मगर फिर भी अगर होता तो क्यों नहीं करे? और पार्टनर भी नहीं है. इवन इफ यू मीट समबडी एंड इफ यू वांट टू बी विद समबडी, व्हाई कैंट यू? आपको पता है कि सेक्स रिड्यूसेस सो मच ऑफ स्ट्रेस, और कितनी चीजें जो है, जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो, उससे कितना, इट्स मेडिकली वेरी गुड फॉर यू, बिलीव मी. मैं गई थी तो फुट मसाज करवाने, तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, यानी आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, पाओं पे प्रेशर डालने से आपके जो है उस बॉडी पार्ट पे आप मसाज कर रहे होते हैं, बेसिकली छोटे से उसमें बता रही हूँ आपको. तो वो एक जगह पे जाकर, वो जब वो मरोड़ती थी ना, तो मुझे बहुत दर्द होता था. मैंने कहा ये इतना क्यों यहाँ पे दर्द हो रहा है? तो वो कह रही, ये तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं. मैंने कहा इसका क्या मतलब है कि मुझे ज्यादा सेक्स करना चाहिए? मुझे डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लगवानी पड़ेगी कि ये सही नहीं हो रहा, तो यू शुड डू दैट. सो एनीवेज, तो इट्स एंजॉय योर लाइफ. अगर आप कर भी रहे हो, जस्ट मेक श्योर यू आर यूजिंग प्रोटेक्शन, जस्ट प्रैक्टिस सेफ सेक्स. मेरा पेट जो है ना, इस वक्त गुड़ 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 कर रहे हैं, आवाजें आ रही होंगी. आई एम सो हंग्री, सो आई एम गोइंग टू गो. हलाला कब तक हो सकता है? हलाला ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो गाइस. इतना आप लोगों ने सेक्स को हवा बना दिया है. आपके माँ बाप ने नहीं की होती ना ये गंदी चीज, तो फिर आप लोग नहीं होते यहाँ. सो इतनी गंदी चीज क्यों की आपके माँ बाप ने? पहले अपने माँ बाप को जाके पकड़ो.